स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में कोचिंग के सिद्धांत से भाग पाँच के तहत हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। साथियों, आप सभी को अवगत है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, इसलिए जो है अपनी तैयारी को जारी रखें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है दोस्तों, 16वां एशियाड आयोजित हुआ तो ग्वांजू चीन में और मास्को रूस में, हिरोशिमा जापान में, काठमांडू नेपाल में। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर ए ऑप्शन राइट है, ग्वांजू चीन में जो है हमारा राइट विकल्प है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बास्केटबॉल से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है फुटबॉल से, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट विकल्प है। उसके बाद दोस्तों अगला है, वर्ष 1976 से 1980 तक निरंतर बना विंबलडन विजेता। तो इसमें जो है विकल्प दिया है बियोन बोर्ग, बोरिस वेकर, जिमी कोनर्स, जॉन मैकनरो। तो दोस्तों इसका राइट विकल्प भी ए हमारा है, बियोन बोर्ग, ए ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है इसका। उसके बाद दोस्तों अगला है हमारा, बास्केटबॉल अकादमी स्थापित है पटियाला में, पुणे में, इंदौर में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हमारा होता है इंदौर में, सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है इंदौर में। उसके बाद अगला है, अपना ही कीर्तिमान आप ही ध्वस्त करने वाला विख्यात खिलाड़ी सरगेई बुबका संबंधित है, गोल्फ से, निशानेबाजी से, पोलवार्ड से और पोलो से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर रहता है पोलवार्ड से, सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है पोलवार्ड से। उसके बाद दोस्तों राइडर कप संबंधित है, घुड़सवारी से, पोलो से, गोल्फ से, नौका दौड़ से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होता है गोल्फ से, राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों अगला है, वाईचुंग भूटिया संबंधित हैं, हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, पोलो से। तो दोस्तों इसका भी राइट उत्तर सी है, फुटबॉल से। तो हमारा सी विकल्प राइट है इसका। उसके बाद दोस्तों अगला है, विश्व का सर्वाधिक प्राचीन खेल है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, पोलो। तो साथियों विश्व का सर्वाधिक प्राचीन खेल हमारा पोलो है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है पोलो। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वप्रथम हॉकी पोलो खेला गया, सॉरी विश्व का सर्वप्रथम हाथी पोलो खेला गया 1946, 1956, 1966, 1976। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है 1976। उसके बाद अगला है, विश्व के सर्वप्रथम हाथी पोलो का आयोजन नगर तो अल्जीरियस और म्यूनिख, जयपुर, इस्लामाबाद। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है जयपुर, हमारा सी ऑप्शन राइट उत्तर है जयपुर। उसके बाद दोस्तों अगला है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजक देश है, 2014 का फुटबॉल विश्व कप का आयोजक देश हमें बताना है दोस्तों।
तो ए विकल्प में है ब्राज़ील और बी है फ्रांस और सी है भारत और डी ऑप्शन है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हमारा ए विकल्प सही है, ब्राज़ील, ब्राज़ील हमारा राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 के एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका राइट उत्तर दोस्तों हो जाता है ए ऑप्शन, 44 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? जो 225, 222, 214, 204। तो साथियों इसका राइट उत्तर हो जाता है हमारा डी ऑप्शन, 204। उसके बाद दोस्तों अगला है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए 1909 में, 1911 में, 1914 में, 1916 में। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है 1916 में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन राइट उत्तर है, 1916। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1996 के अटलांटा ओलंपिक का हॉकी स्वर्ण पदक विजेता फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और रूस। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है हॉलैंड ने, सी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है, हॉलैंड। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक किसे मिला? तो इसमें है बोरिस वेकर, ली चोंग, अडवाड़ी, अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है अभिनव बिंद्रा, हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव बिंद्रा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एथेंस ओलंपिक में खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली या ओमिंग ने, राचेल हावेक्स ने और जोई डिमोस्चकी ने, एलेसांद्रा मारेंगी ने। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है सी ऑप्शन, जोई डिमोस्चकी ने, सी ऑप्शन राइट उत्तर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती में किसे कांस्य पदक मिला? तो सविता प्रसाद, राजेंद्र कुमार, सुशील कुमार और देवेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है सुशील कुमार, तो हमारा सी ऑप्शन राइट उत्तर है, सुशील कुमार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी प्रथम प्रारंभ हुई लंदन ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक से, एथेंस ओलंपिक से, टोक्यो ओलंपिक से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाएगा पेरिस ओलंपिक से, बी ऑप्शन हमारा राइट है, पेरिस ओलंपिक से। उसके बाद अगला है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश था भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक भारत था, इसलिए ए ऑप्शन राइट उत्तर है। उसके बाद अगला है, सर्वप्रथम एशियाई खेलों में सम्मिलित देश थे, मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले एशियाई खेलों में सम्मिलित देश। तो दोस्तों 9, 11, 13, 15, तो इसका राइट उत्तर होता है 11 हमारा बी ऑप्शन राइट उत्तर है। उसके बाद है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त टेबल का आकार होता है 2.5 मीटर से 1.5 मीटर, 2.75 मीटर से 1.54 मीटर, 2.6 मीटर गुड़े 1.52 मीटर और 3.7 मीटर गुड़े 1.60 मीटर। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है 3.6 मीटर गुड़े 1.52 मीटर, ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट विकल्प है, 3.6 मीटर गुड़े 1.52 मीटर हमारा राइट विकल्प है। उसके बाद दोस्तों अगला है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी है दिखाए जाने वाला कार्ड होता है
लाल, नीला, पीला, काला। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है सी, पीला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुष वॉलीबॉल मैच में नेट की ऊंचाई होती है 2 मीटर, 2.1 मीटर, 2.25 मीटर, 2.43 मीटर। तो हमारा राइट उत्तर है डी ऑप्शन, 2.43 मीटर। उसके बाद है सुप्रसिद्ध खिलाड़ी फेलेक्स संबंधित है फुटबॉल से, तैराकी से, पोलो से और जूडो से। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है तैराकी से, बी ऑप्शन हमारा राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेकाथलन में आयोजित प्रतियोगिताएं होती है 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट उत्तर हो जाता है साथियों, डेकाथलन में जो है 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। इसका राइट उत्तर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाउक लाइन का उपयोग होता है कबड्डी में, फुटबॉल में, टेनिस में, मुक्केबाजी में। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर हो जाता है ए ऑप्शन, कबड्डी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कनेडी कप संबंधित है गोल्फ से, पोलो से, फुटबॉल से, टेनिस से। तो दोस्तों कनेडी कप जो है गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित प्रथम एफ्रो एशियन खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया भारत ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने। तो इसमें साथियों राइट उत्तर हो जाएगा हमारा बी, चीन ने। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, आइस हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल हमारा आइस हॉकी है, यानी बर्फ पे हॉकी, बी ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 11वें द चेस खेलों की पदक तालिका में दूसरा स्थान किसका है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर है डी ऑप्शन, पाकिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त तीरों की नोक पर लगाया जाता है X-10 ट्रंगस्टन बैलिस्टिक और X-10 प्लैटिनम और X-10 एल्युमिनियम कार्बन और X-10 प्लैटिनम ताम्र। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर होता है X-10 प्लैटिनम लगाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा राइट विकल्प है, X-10 प्लैटिनम लगाया जाता है तीरों की नोकों पे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप जो है इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।